इतनी तेज बारिश में क्या नदी में कोई फेरी या नाव मिलेगी? नहीं मिली तब तो मुसीबत है, घर कैसे लौटूंगा? हाँ देखता हूँ, एक बार घाट पे जाके देखता हूँ। क्या आज कोई भी नहीं आएगा? अगर आज कोई नहीं आया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, 100 पूरे नहीं हुए तो। अरे ओ भाई बाजी, जाओगे क्या? हाँ हाँ जरूर जाऊंगा। अरे जाने के लिए ही तो यहाँ पर बैठा हूँ, बताओ कहाँ जाओगे? उस पार। आ जाओ। बिना देर किए नाव में चढ़ जाओ। हाँ 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 चढ़ता हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी नाव चलाते हो तुम। तेजी से तो चला रहे हो, लेकिन थोड़ा और जल्दी चलो भाई, जिस तरह से ये बिजली चमक रही है अभी बारिश और तेज हो जाएगी। अरे आप चिंता बिल्कुल मत करो, इस बारिश में इतनी ताकत कहाँ है जो आपको मुसीबत में डाल सके। मुझे हिम्मत दे रहे हो? ये क्या, इतनी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हो? आप डर गए क्या? अरे बस तुम्हें जरा सा डराया था, असल में डराने में मुझे बहुत मजा आता है। अजीब आदमी हो, डराने में मजा आता है तुम्हें? हाँ, और अगर कोई डर के मारे मर ही जाए तब तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ आपको। ये क्या बोल रहे हो तुम? डर कर कोई मर जाता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तो फिर ये देखो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जा, अब तू यमराज के घर जा। बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। कितने दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद आज आसमान में कितना सुंदर चांद निकला है, मन कितनी सारी कविताएं गुनगुना रहा है। चली गई बारिश, चारों तरफ है हरियाली, खिला खिला है चांद, आहा और कितना खुश है मन। जब मैं जिंदा था मेरा एक घर था, घर में माँ थी, तब ऐसी चांदनी रात में नरम नरम पूरियां और खीर बनाकर माँ मुझे खिलाती थी। खाने की बात याद आते ही जैसे मुझे भूख लग गई, चलता हूँ भूत दादाजी के घर जाकर कुछ खा आता हूँ। पहले मैं खाऊंगा। अरे मुझे खाना है, सबसे पहले मैं खाऊंगा। उस दिन भात खत्म हो गया था। तेरे मामा का घर है क्या? आज सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। अरे अब ये नया झंझट शुरू हो गया मेरे परिवार में, रोज रात को खाने के समय लड़ाई झगड़ा। पता नहीं कब मेरे मन को शांति मिलेगी, कुछ समझ नहीं आता। तुझे खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा, चल जा, भाग जा यहाँ से। क्या हुआ रे, लड़ाई झगड़ा किस बात पे हो रही है? बात ये है बड़े भैया कि मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, मैं ये सब और नहीं संभाल सकती। अरे तुम्हारा काम तो सिर्फ खाना बनाना है, फिर और क्या संभाल रही हो तुम? है सिर्फ खाना बनाना, उसके साथ खाना परोसना भी तो पड़ता है। सारी मुसीबत तो उसी समय शुरू हो जाती है जब हर हफ्ते एक दो भूत बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे ये सब झमेला नहीं चाहिए। अरे जरा रुको,
हर हफ्ते दो एक भूत बढ़ जाते हैं, क्या मतलब? कहाँ से आ रहे हैं वो सब? क्यों रे कालिया? खाना बनाने वाली भूतनी ये क्या कह रही है? हर हफ्ते मेरे इस सुंदर से परिवार में दो एक भूत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जा तो, जो नए आए हैं जरा उन्हें बुला तो ला। अच्छा ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें, मैं अभी जाता हूँ। अरे ये क्या, खाने के समय सभी रसोई घर छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? अब इस मौके का फायदा उठाकर रसोई घर में जाकर मछलियाँ खा लेता हूँ। पर इससे पहले जरा मामला देख लेता हूँ। जाओ दादाजी के पैरों को छूकर प्रणाम करो, जाओ जाओ। ठीक है हो गया। जरूरी बात ये है कि ये लोग भूत बनकर यहाँ कैसे आए? आदमी बिना ऐसे वैसे मरे तो भूत बनता नहीं है। तो फिर नए भूतो, तुम लोग किस दुर्घटना में मरे हो हैं? बस से या ट्रेन से कटकर? नहीं नहीं, बस से भी नहीं, ट्रेन से भी नहीं, मैं मरा हूँ पानी में डूबकर। मैं भी पानी में डूब के। हम सभी पानी में ही डूबे हैं। बाप रे, सभी पानी में डूब गए थे? क्या कमर में पत्थर बांध के पानी में डूबे थे? हम सब अपनी इच्छा से पानी में डूबकर नहीं मरे थे दादाजी। एक बदमाश भूत ने रात के अंधेरे में माझी का भेष बनाकर हम सबको एक एक करके नदी के पानी में डूबोकर मार डाला है। काबला बोले दादाजी, जरा पता लगा के आ तो ये किस बदमाश भूत का काम है। जा उसका कान पकड़ के घसीटते हुए मेरे पास लेके आ। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, ये तो बताइए। अच्छा न भूतो, जरा बताओ तो उसने तुम्हें किस नदी में डुबा के मारा था? हमें पानी में डुबो कर मारा था, बस इतना ही याद है। मरने के बाद बहुत कुछ भूलने के साथ साथ नदी का नाम वाम सब भूल चुका हूँ। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर नदी का नाम नहीं बताओगे तो उसका पता कैसे चलेगा? और अगर पता नहीं चला तो उसे पकड़ेंगे कैसे? मैं एक बार कोशिश करके देखूं दादाजी। लो लो, तू कर पाएगा क्या? हाँ दादाजी। एक बार कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तो जा, पर तुझे पता है ना, आदमियों को मारने के बाद भूतों के शरीर में तेल जमने लगता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए उसे पकड़ने के बाद पहले उसके शरीर से तेल निकाल के फिर मेरे पास लेके आना। ठीक है दादाजी, पहले पकड़ूंगा उसके बाद तेल निकालूंगा, उसके बाद आपके पैरों में लाकर पटकूंगा। फिर तो हो गया। लुलू तू तो एक नंबर का आलसी है, पूरा दिन बस खाता है और उसके बाद टूटे पुराने घर के पीछे जाकर सोया पड़ा रहता है। तू पकड़ के लाएगा भूत? बहुत बोल रहे हो, जब पकड़ कर लाऊंगा ना तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हैं देखो, बहस करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर जरा खाना खा लेता हूँ। चलो बुआ जरा खाना दे दो। दादाजी मुझे जरा अच्छे से खाना खिलाने के लिए कह दीजिए। हाँ हाँ, लुल्लू को भर पेट खिला दो। क्या रे लुल्लू, तूने क्या किया? 20 लोगों का खाना तूने अकेले ही खा लिया? नहीं, बीच में टोको मत बुआ, खाने दो। जानती हो ना कितने बड़े एक काम के लिए जा रहा हूँ, अगर पेट भर कर नहीं खाया तो ताकत कैसे मिलेगी बोलो तो? उस बदमाश भूत से लड़ना क्या बच्चों का खेल है? ठीक है तो सब खा जा, उसके बाद बाकी भूत क्या खाएंगे ये बड़े भैया ही जाने। उस बदमाश भूत को पकड़ने का कहकर 10 दिनों का खाना एक ही बार में खा कर आया। पर अभी अभी उसे पकड़ कर लाऊं कैसे? हाँ धत, ये भी क्या मुसीबत है, वो रहता कहाँ है ये भी तो नहीं पता। क्या करूँ, कहीं छुप जाऊं? नहीं नहीं, ये करके तो मैं बच नहीं पाऊंगा। दादाजी मुझे ढूंढ कर लाने के लिए टेबला और टेबला को भेज देंगे।
आ गई खोपड़ी के अंदर बुद्धि। एक बार जाकर भूतों के गेजेट घेघर के पास जाता हूँ, वो शायद उस बदमाश भूत का पता बताकर मेरी मदद कर दे। ने 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 ने। ये घर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया रे भाई? एक बार बुलाकर देखता हूँ, पर क्या कहकर बुलाऊं, घर भैया या घर चाचा? नहीं नहीं, भैया कहकर बुलाना सही नहीं रहेगा, मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े हैं। चाचा कहकर ही बुलाता हूँ। चाचा, घर चाचा, घर चाचा। कौन चिल्ला रहा है रे? कौन है, कौन है? कान के सारे कीड़े बाहर निकाल दिए। मैं हूँ लुल्लू, आपका भतीजा। कौन? उल्लू? अरे उल्लू नहीं, लुल्लू, लुल्लू। पर मुझे क्यों बुला रहा है? बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़कर आपको बुला रहा हूँ चाचा। अरे पर मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ रे? फिर भी बोल, क्या मुसीबत है तेरी? बोल बोल। एक बदमाश भूत नदी के पानी में इंसानों को डुबो कर मार रहा है, उसका पता मुझे बताना पड़ेगा। पानी में डुबा कर इंसानों को मारना बहुत ही बुरा काम है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पर उसका पता बता दूंगा तो क्या करेगा तू? उस बदमाश को पकड़कर उसके शरीर का सारा तेल निकालकर उसे दादाजी भूत के पैरों में ले जाकर पटक दूंगा। चाचा, ओ चाचा, उसका पता बता दीजिए ना चाचा, प्यारे चाचा, अच्छे चाचा। आप तो भूत समाज के गेजेट हैं। कौन सा भूत क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सब का पता आपकी इन आँखों में है। अब बता दीजिए ना चाचा, उस बदमाश भूत का पता अपने इस छोटे से लुल्लू को बता दीजिए ना। अरे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। जा, अब तू यमराज के घर ही जा। समझ गया। क्या समझे चाचा? समझ गया, वो एक बदमाश नहीं बल्कि एक शैतान भूत है। आज तक उसने 35 लोगों को यमराज के घर भेजा है। मनुष्यों पर उसका इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं है रे बुद्धू, गुस्सा नहीं है, अच्छी तरह से सोच समझ कर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है वो, समझे? 100 लोगों को मारकर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उस शक्ति से तुम लोगों के दादाजी को भगाकर उनकी जगह पर तुम्हारा राजा बनकर बैठेगा। फिर तो इसी वक्त उसे पकड़ना पड़ेगा, है ना? वो तो करना ही पड़ेगा, पर क्या वो मुश्किल काम तू कर पाएगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक 35 लोगों को मारकर वो बहुत ताकतवर बन चुका है, तो फिर तेरे जैसा एक बच्चा भूत क्या उसका सामना कर पाएगा? आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए चाचा, बाकी मैं देख लूंगा। तेरी यह हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो फिर मैं अब उसका पता बताता हूँ। यहाँ से 117 मील पूर्व में उथाली पुथाली नाम की एक नदी है, समझ गया ना? नदी के किनारे पीपल के पेड़ की जड़ में उसका वास है। रोज रात को मांझी का बेस बनाकर शिकार पकड़ने के लिए वो नाव पर आकर बैठा रहता है। ठीक है ठीक है, बस इतना ही जानना था, अब मैं चलता हूँ घर चाचा। अच्छा जा जा, हे माँ भूतेश्वरी, इस बच्चे भूत की जरा मदद कीजिएगा। जा बेटा जा। टाटा। तो क्या यही है वो बदमाश भूत? अभी इसे मजा चखाता हूँ। इसके लिए अब मुझे भी इंसान का रूप धरना पड़ेगा। What?
लग रहा है कि कोई शिकार आ रहा है। ओमा जी भाई, मुझे नदी पार करवा दोगे? नदी पार करवाने के लिए ही तो यहाँ पर इतनी रात को मैं यहाँ बैठा हूँ। कितना किराया लोगे भाई? किराए की बात बाद में कर लेंगे, पहले तुम नाव में आकर बैठो तो सही। बैठो बैठो। भाई, तुम्हें मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है तुम अजनबी हो। अजनबी तो लगूंगा ही, इस गांव में पहली बार आया हूँ। पहली बार? हाँ, एक नए रिश्तेदार के घर भोज खाने आया था, बहुत अच्छा खाना खिलाया है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जीवन में आखिरी बार खाना खाया है। अच्छा, ये मुझे इंसान समझ रहा है, इसलिए पानी में डुबोकर मारने का सोचकर बहुत मजे ले रहा है। ले लो मजे ले लो, पर जानते नहीं हो ना कि तुम्हारे लिए कौन सी सजा इंतजार कर रही है। ओ भाई, ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर में मरने के बाद तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। अब तुझे पानी में डुबा कर मारूंगा, तुझे मारने के बाद मेरे हाथों से 36 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। ये क्या? कौन है तू? ये क्या, खुद भूत होकर भी अपने जाति भाई को पहचान नहीं पा रहा है? बदमाश भूत, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हाँ, खत्म कर दूंगा। जा बेटा जा, अब तू यहाँ आसपास भी नहीं दिखेगा। इतनी रात को मेरे दरवाजे पे क्या गिर गया? अरे बाप रे, ये तो भूत की तरह कोई काली चीज है। मैं भूत की तरह नहीं हूँ काका, सच में भूत हूँ। ये अच्छा मजाक है, भूतों के ओझा कुंज के घर में भूत। अच्छा हुआ, मुझे भी जरा भूतों के तेल की जरूरत है, आज तुझे ही पीस कर वो तेल निकालूंगा। मुझे पीस कर पानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मैं एक नया भूत हूँ, मेरे शरीर में अभी तेल पैदा नहीं हुई है। पर अगर तेल चाहिए तो बदमाश भूत के पास जाइए, आज तक 35 लोगों को मार कर उसके शरीर में बहुत सारा तेल जमा हो गया है। फिर मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है। उसे पकड़ूंगा मैं और उसके शरीर से तेल भी मैं ही निकालूंगा। ठीक है, तुझे मैं ऐसी शक्ति दूंगा, तू फट से उसकी गर्दन दबाकर तेल निकाल लेगा, समझा? ठीक है, अब चल चल चल, जल्दी चल। तू उससे लड़, मैं सही समय पर तुझे वो शक्ति दे दूंगा। अरे, एक बार मार खा कर भी तुझे अक्कल नहीं आई? इस बार अक्कल तो तुझे आएगी। अरे बाप रे। एक बार तो तू मर के भूत बन चुका, अब मर के तू क्या बनेगा, तूने सोचा है? ए लुलु, ले। अरे अरे बाबा, ये क्या हो गया? अरे ये इतना बड़ा कैसे हो
गया। अरे मुझे माफ कर दो, अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। रहने दो, बचाओ। अरे बाप रे, अरे बस कर, अरे बस कर, मेरा पूरा तेल निकाल दिया। ये कौन है? अरे कोई से रोको, मैं तो गया रे। ये लीजिए ओझा जी, भूतों का तेल। ये लीजिए दादाजी, बदमाश भूत। अरे 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 अरे, ये क्या किया रे लुल्लू? सारा तेल निकाल कर तूने इसे सूखी लकड़ी कर डाला है। अरे कोई है? देखो जरा, देखो हमारे लुल्लू की बहादुरी। अरे वाह रे वाह, क्या बात है लुल्लू, तू तो सच में बहुत बहादुर है। तो और क्या।